सोने के आम एक बार राजा कृष्णदेव राय कुछ उदास थे। राजगुरु उनके पास आए। महाराज, आप अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं, क्या बात है? गुरुजी, कल मेरी आदरणीय माताजी का श्राद्ध है, उनकी स्मृति से मैं उदास हूँ। एक ना एक दिन हर एक का अंत सुनिश्चित है महाराज। आपने सत्य कहा गुरुदेव, किंतु मेरे दुख का कारण कुछ और है। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे एक राजा पूर्ण न कर सके? उनके आम खाने की इच्छा थी गुरुजी, परंतु आम का मौसम नहीं था। आम लाने की बड़ी चेष्टा की, अगणित धन खर्च करने पर भी एक भी आम नहीं मिला। तुरंत ही राजगुरु के मस्तिष्क में उल्टे विचार आने लगे। आम, सोना, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, कहते हुए दुख हो रहा है, किंतु वह क्यों गुरुजी? कृपया आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बताएं। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी महाराज। अतः क्या? आपको श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। कुछ को ही क्यों, आप राज्य के सारे पंडितों को आमंत्रण भेजें। जैसे आपकी इच्छा महाराज। उस मूर्ख रमन से बदला लेने का ये एक सुनहरा अवसर है। मुझे एक और सोने की थैली मिल गई। राजगुरु ने सभी पंडितों को निमंत्रण भेजा। अगले दिन सभी महल में पहुँचे। ये देखकर रमन खुद को रोक नहीं पाया। तो ये पंडित दिवंगत रानी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन सोने के आमों को ले जाएंगे। राजा ने भोजन के पश्चात हर एक को सोने का एक आम दिया। ईश्वर आपकी रक्षा करे, चिंता ना करें, अब आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। महाराज की जय हो। निमंत्रण स्वीकारने हेतु आपका धन्यवाद। जब सभी पंडित महल से बाहर आए, उन्हें बाहर रमन खड़ा मिला। रमन, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? ओ महान विद्वानों, आज मेरी माताजी का भी श्राद्ध है, और वो भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। आपको तो ज्ञात ही है कि इच्छा पूरी न होने से उनकी आत्मा अशांत रहेगी, अतः आप लोगों से निवेदन है। हम समझ गए रमन, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। सभी पंडित रमन के घर गए। पता नहीं रमन हमें क्या उपहार देने वाला है। निश्चय ही वैसा ही कोई उपहार जैसा महाराज ने हमें दिया। रमन ने उनका स्वागत किया और घर के पिछवाड़े ले गया। पंडित जो उपहार की आशा से आए थे, वहाँ का हाल देखकर अचंभित हो गए। सेवक लोहे की छड़ें गर्म कर रहे थे। आइए पहले अपने पैर धो लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरी माताजी गठिया से मरी थी, उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती, वो बेचारी मर गई। आपको तो ज्ञात ही है कि अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। ये कैसा उपहास है? ओहो, हे गुणीजनों, मुझे दुख हुआ। कल आप लोगों ने सोने के आम लेकर राजा की माताजी की इच्छा पूरी की, किंतु आज रमन, किंतु वो बात तो भिन्न थी। तुम हमारे सारे आम ले लो, किंतु समझने की चेष्टा करो। राजगुरु सहित सभी पंडितों ने सोने के आम वापस कर दिए और वहां से चले गए। पंडित जी, मेरी माताजी की अंतिम इच्छा का क्या होगा? हमें रमन के विषय में राजा को बताना होगा, उसे दंड मिलना चाहिए। रमन ने हम सबका उपहास किया। धन्यवाद रमन, तुमने मेरी आंखें पुनः खोल दी।
हे महाराज, यह कदापि हास्य का विषय नहीं है, सभी विद्वानों का अपमान हुआ है। हाँ हाँ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं, रमन को दंड मिलेगा। आपकी क्या राय है? उसका शीश उड़ा दिया जाए। मुझे विश्वास है वो अपना ध्यान रख लेगा। सेवक, रक्षक राजा के सामने आया। रमन को नगर के बाहर ले जाकर एक झटके में उसका शीश धड़ से अलग कर दो। जी। रक्षक रमन के साथ बाहर गए। क्या तुम मुझे बताओगे कि महाराज ने ठीक ठीक क्या कहा था? एक झटके में रमन का शीश धड़ से अलग कर दो। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस, क्या कोई अंतिम इच्छा है? बिल्कुल है, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं माँ काली को बुलाऊं, ठीक उसी समय तुम मेरा शीश काट देना। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। रमन आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। रक्षक अपनी तलवारें हाथों में लिए तैयार खड़े थे। जय माँ काली। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो झुक गया। रक्षकों की तलवार हवा में ही चली। चलो खड़े हो जाओ, इस बार हम तुम्हारा शीश काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, राजाज्ञा याद करो, तुम्हें ये कार्य एक ही झटके में करना था। अब दोबारा करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होगी। अतः रमन को राजा के पास ले जाया गया। रमन को देखकर राजा प्रसन्न हुए। रक्षकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं वंदना करूँ, तुम शीश काट देना। ये ईश्वर की इच्छा है कि रमन जीवित रहकर सबको प्रसन्न रखे, अतः हम उसे क्षमा करते हैं। राजा के विरुद्ध राजगुरु कुछ न कह सके, अतः वो वहां से चले गए। तेनाली रमन और पहलवान। एक बार दिल्ली का एक पहलवान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। स्वागत है ओ महान योद्धा। आपका धन्यवाद महाराज, मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। राज्यसभा के पहलवानों को लगा कि वो उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। उन्हें भय हुआ कि वे आसानी से परास्त हो जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लज्जा आती है, उससे लड़ने को कोई तैयार नहीं। तब मल्ल योद्धाओं का दल रखने से क्या लाभ? अब रमन ने चुप्पी तोड़ी। महाराज मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। राजा अचंभित हो गए, साथ ही प्रसन्न भी हुए। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है? वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता, निश्चय ही वो पराजित होगा। क्षमा करें महाराज, रमन मैं तुम्हें पल भर में पराजित कर दूंगा, एक बार पुनः सोच लो। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। क्यों ठीक है, अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वाल वाल मल्ल युद्ध। दिल्ली का पहलवान अचंभित हो गया। ये वाल वाल युद्ध कौन सा युद्ध है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। क्या? कभी सुना भी नहीं? आश्चर्य, स्वयं को योद्धा कहते हो? कैसा भी मल्ल युद्ध हो, तुम्हें उसके लिए शक्ति चाहिए। इस विशेष दांव के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब पहलवान सोच में पड़ गया, इस स्थिति से वो बचना चाहता था। अतः महाराज मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, अतः आज मुझे विश्राम करने की आज्ञा दे। और द्वंद्व युद्ध का क्या होगा? हम कल लड़ेंगे, अब मुझे जाने की आज्ञा दे महाराज। ठीक है, तो ये तय रहा, कल संध्या समय द्वंद्व युद्ध अवश्य होगा। पहलवान चला गया। अगले दिन। ओ रमन, तुम आ गए, प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? मल्ल योद्धा कहाँ है?
जब सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक द्वार रक्षक आया। महाराज, मैं एक संदेश लाया हूँ। मल्ल योद्धा हमारे नगर से चला गया। ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? उसने पराजय स्वीकार कर ली। वाह रमण, तुमने एक बार पुनः विजयनगर का सम्मान बचाया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं सम्मानित हुआ महाराज। अच्छा, ये बताओ, ये वालवाल दांव क्या है? पता नहीं, उससे बात करते समय ही ये शब्द मेरे मस्तिष्क में आया, जिसे मैंने मल्ल युद्ध का एक दांव बता दिया। बस तुम सचमुच अत्यंत चतुर हो सैनिक। मुझे एक सोने के सिक्के की थैली। उचित कहा। रक्षक ने राजा को सिक्कों की थैली पकड़ाई। ये लो रमन, सदा की भांति ये थैली भी तुम्हारे लिए, जिसने विजयनगर का सम्मान बचाया। क्या रहेगी? जब भी मैं तुम्हें थैली भेंट करता हूँ, तुम ये कौन सी संख्याएं बोलते हो? महाराज, ये मुझे आपसे मिली हुई थैलियों की संख्याएं हैं। बिल्ली भागे दूध से। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय सभा में बैठे थे, उन्होंने बाहर कुछ स्वर सुना। हमें महाराज से मिलना है। बाहर ये कोलाहल कैसा है? द्वारपाल, जाकर पता लगाओ। एक रक्षक ग्राम प्रमुख के साथ वापस आया। महाराज, हमारी सहायता करें, गांव में चूहों का प्रकोप हो गया है। चूहों के कारण हमारी बहुत हानि हो रही है, वो हमारे खेत नष्ट कर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें महाराज। ठीक है, मैं अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके इसका उपाय ढूंढूंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। यहाँ किसी के पास इस समस्या का समाधान है? हाँ महाराज, हम राज्य के हर एक परिवार को एक बिल्ली देंगे। हम सब जानते हैं कि बिल्ली चूहे खाती है, पर निर्धन लोग उन बिल्लियों को कैसे पालेंगे? कोई बात नहीं, हम बिल्लियों के साथ एक गाय भी देंगे। गाय का दूध उन बिल्लियों को दिया जाएगा। अगले दिन एक बिल्ली और एक गाय प्रत्येक परिवार को दे दी गई। सभी की तरह तेनाली को भी एक गाय और एक बिल्ली मिली। हर कोई बिल्ली को दूध पिलाता था और कुछ ही दिनों में बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गईं। क्या मूर्खता है, मैं बिल्ली को दूध नहीं पिलाऊंगा। रमन ने एक उपाय सोचा। वो भीतर गया और एक थाली में दूध लेकर आया। दूध बहुत गर्म था, उसने दूध बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने तुरंत दूध में मुंह डाला। जैसे ही उसने दूध में मुंह डाला, वो उछली और चिल्लाती हुई भागी। अगले दिन रमन ने फिर बिल्ली के सामने दूध रखा। दूध देखते ही बिल्ली वहां से भाग गई। बिल्ली के बजाय रमन और उसका परिवार उस दूध का सेवन करता था। महीने व्यतीत हुए। उन बांटी गई बिल्लियों को मैं देखना चाहता हूं। कल सबको अपनी बिल्लियों के साथ यहां बुलाओ। अगले दिन राजा के आदेशानुसार सभी लोग अपनी बिल्ली लेकर राज्यसभा में आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी बिल्लियां स्वस्थ और अच्छी लग रही हैं। परंतु तेनाली की बिल्ली को देखकर राजा अचंभित हो गए। रमण, ये क्या है? तुम्हारी बिल्ली बहुत दुर्बल है। लेकिन मैं क्या करूं महाराज, ये दूध पीती ही नहीं। जब भी इसके सामने दूध रखता हूँ, ये भाग जाती है। मैं असहाय हूँ। विश्वास नहीं होता, बिल्ली दूध से घृणा करे, ये तो असंभव है। अब आप स्वयं ही देख ले महाराज। सैनिक, शीघ्र दूध लेकर आओ। रक्षक दूध लेकर आया। जैसे ही बिल्ली ने दूध देखा, वो रमन के पकड़ से छूटी और भाग निकली। सैनिकों, पकड़ो इसे। रक्षक बिल्ली को वापस ले आया। इसका मुख खोलकर निरीक्षण करूंगा। राजा ने देखा,
अच्छा, इसकी जीवा पर तो छाले हैं। अब मुझे पता चला। रमण, तुमने बिल्ली को उबलता हुआ दूध दिया होगा, इसीलिए वो दूध को देखकर भाग रही है। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। दूध तो मनुष्यों को पीने के लिए मिलना चाहिए, ना कि बिल्लियों को। इसके अतिरिक्त बिल्ली को जब भूख लगेगी तभी वो चूहों का शिकार करेगी। जब उसका पेट दूध से भरा होगा तो वो शिकार क्यों करेगी महाराज? हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। सत्य वचन। सदा की भांति राजा ने रमन को सोने के सिक्कों की एक और थैली भेंट की। ये 12वीं। पुरस्कार में हिस्सेदारी। एक बार नर्तकों का एक प्रसिद्ध दल विजयनगर आया। सारे नगर में उसकी चर्चा थी। सभी उस दल के प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। मैं भी नृत्य देखना चाहता हूँ। प्रदर्शन का प्रबंध करो। जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन दल राजसभा में आया। प्रदर्शन प्रारंभ होने ही वाला था। मंत्री जी, मैं कोई विघ्न नहीं चाहता। किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। एक विशेष रक्षक को महल के द्वार पर नियुक्त किया गया और दूसरे को कक्ष के द्वार पर। तभी वहां तेनाली रमन आया। उसे पता चला कि राजा अकेले ही प्रदर्शन का आनंद ले रहे हैं। नृत्य देखने की उसकी भी इच्छा हुई। उसने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की। ठहरो, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। महाराज की आज्ञा है कि कोई भी विघ्न ना डाले। रमन ने थोड़ी देर सोचा। मुझे राजा ने बुलाया है तथा उन्होंने मुझे पुरस्कार देने का वचन भी दिया है। पुरस्कार? तब तो सदा की भांति इस बार भी सोने के सिक्कों की थैली होगी। तेरे भी। उसने लालच से रमन को देखा। ठीक है, मैं जाने दूंगा। तुम मुझे क्या दोगे? महाराज, जो भी देंगे उसका आधा दे दूंगा। ठीक है, जाओ, पर अपना वचन याद रखना। अवश्य। रमन कक्ष के द्वार पर पहुंचा। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। कृपया मुझे मत रोको, मैं यहाँ पुरस्कार लेने के लिए आया हूँ। महाराज ने स्वयं बुलाया है। पुरस्कार? मुझे अंदर जाने दो। महाराज मुझे जो भी देंगे उसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जाओ, पर याद रखना अपना आधा पुरस्कार मैं तुम्हें दे दूंगा। रमन ने कक्ष में प्रवेश किया। वो कलाकारों की ओर दौड़ा, एक छड़ी उठाई और मुख्य कलाकार को मारने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। रमन, ठहरो, क्या पागल हो गए हो? प्रदर्शन में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? तुमने सीमा पार कर ली है। तुम्हें दंड मिलेगा, 100 कोड़ों का दंड। जब एक अनुचर ने कोड़ा उठाया। तनिक ठहरिए महाराज, बाहर मेरे 2 मित्र खड़े हुए हैं जो मेरा दंड बांटेंगे। राजा अचंभित हो गए। कौन है वो? उन्हें अंदर लेकर आओ। जुआ क्या महाराज? रमन ने अनुचर के कान में कुछ कहा। अनुचर 2 रक्षकों के साथ वापस आया। आपसे मुझे जो भी मिलेगा मैं इनके साथ बांट लूंगा, ये मैंने इन्हें वचन दिया था महाराज। जब मैं अंदर आ रहा था तब इन्होंने मुझसे अंदर आने की कीमत मांगी थी। तुम दोनों ने मेरे आदेश की अवहेलना की और साथ ही रिश्वत भी मांगी। सेवक, इन दोनों को 50-50 कोड़े मारो और निकाल दो। राजा रमन से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ रमन, तुमने ठगों की पोल खोल दी। सदा की भांति तुम्हें इसका भी पुरस्कार मिलेगा। अतः सदा की भांति रमन को पुरस्कार मिला और साथ ही राजा से क्षमा दान भी। मटकाधारी रमन। राजा कृष्णदेव राय रमन को अत्यंत पसंद करते थे। अतः रमन के कई शत्रु हो गए। उनमें से एक थे राजगुरु।
वो उसकी लोकप्रियता पर आघात पहुंचाने के अवसर की ताक में रहते थे। एक दिन अनजाने में रमन ने राजगुरु का अपमान कर दिया। राजगुरु राजा से मिले और रमन को मृत्युदंड देने की सलाह दी। रमन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका फल भुगतना पड़ेगा तुम्हें। उसने मेरा नहीं पूरे राज्य का अपमान किया है। ऐसी बात है तो आप ही बताएं उसे कैसे दंडित किया जाए। हर बार वो युक्ति से बच निकलता है, इस बार ऐसा उपाय सोचना होगा कि उसका काम तमाम हो जाए। महाराज, उसे गले तक धरती में गाड़ दें और हाथी से उसका सर कुचलवा दें। क्या मैं उसे खो दूंगा? समझ में नहीं आता वो स्वयं को कैसे बचा पाएगा। रक्षक रमन को नगर के बाहर ले गए और धरती खोदने लगे। जब गड्ढा तैयार हो गया, गड्ढे में उतरो, अब तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं आएगी। रमन गड्ढे में उतरा और रक्षकों ने उसे गले तक मिट्टी से ढक दिया। चलो अब हम हाथी को लेकर आते हैं। रमन ने देवी काली की प्रार्थना की। काली, अरे कोई तो इस रास्ते से निकले। माँ काली ने प्रार्थना सुन ली, ये धोबी इसी तरफ आ रहा है। धोबी जब रमन के पास आया तो चकित रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये धरती के अंदर क्यों है? अवश्य ही कोई महान योगी होंगे। धोबी रमन के और पास आया। हे महान स्वामी, कृपया आशीर्वाद दें। मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूँ? मैं तो बस एक साधारण सा धोबी हूँ तुम्हारी तरह। ये क्या कह रहे हो, यदि ऐसा है तो स्वयं को धरती में क्यों गाड़ रखा है? क्योंकि मेरी चिकित्सा हो रही है, मेरी पीठ पर कुबड़ है तुम्हारी तरह। परंतु मैंने सुना है इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। तुमने गलत सुना है, चिकित्सा है मित्र, अत्यंत आसान है। स्वयं को ऐसे ही एक घंटे के लिए गाड़ दो, तब तुम्हारी पीठ भी सीधी हो जाएगी। विश्वास नहीं होता। तो स्वयं देख लो, तुम मुझे यहाँ से निकालने में सहायता करो। धोबी ने धरती खोदी और रमन को बाहर निकाल लिया। देखा तुमने, है ना ये महान चमत्कार? एक निपुण वैद्य ने ये उपाय बताया था और ये काम कर गया। ओ महान वैद्य, आपका धन्यवाद। मैं भी करके देखूं? अवश्य, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार रमन बच गया और धोबी गड्ढे में घुस गया। जब रक्षक हाथी के साथ लौटे तब रमन के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को देखकर चकित रह गए। गड्ढे में जो मनुष्य था वो कहाँ गया? तुम इसमें कैसे आए? यहाँ दबे व्यक्ति ने मुझसे बताया, ऐसे कुबड़ का इलाज होगा। रक्षकों ने गड्ढे से बाहर आने में धोबी की सहायता की। अभी भी मेरी पीठ में कुबड़ है। तुम्हारी पीठ तोड़ दी जाएगी यदि राजा को पता चला कि दंड के भागी रमन को तुमने भगाया है। मैं चला। रक्षक राजा के पास गए और बताया कि रमन भाग गया। तुमने सीमा पार कर ली है रमन, कल से अपना चेहरा मत दिखाना, अब तुम यहाँ से चले जाओ। दुखी मन से रमन सभा से चला गया। अगले दिन जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, मुझे उसकी याद तो आएगी, फिर भी बिना उसके रुकावट डाले मैं अपने मंत्रियों से बात कर सकता हूँ। जैसे ही राजा ने आरंभ किया, ये क्या सभा है? में शोर हुआ। ये कैसा कोलाहल है? क्या हो रहा है? निकालो। सभी एक व्यक्ति को देखकर चकित थे जिसने अपने चेहरे को मटके से ढक रखा था। बड़ा विचित्र दिख रहा है, ये कौन है? इसने अपना वेश ऐसा क्यों बनाया है? तुम कौन हो, इस तरह तुम राज्यसभा का अपमान कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूँ। रमन, मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा मत दिखाना। इसीलिए तो महाराज मैंने इसे ढक रखा है। राजा अपनी हंसी नहीं रोक सके। तुम पर क्रोधित होना असंभव है, तुम मटका उतार सकते हो, देवता भी तुम्हें चतुराई में हरा नहीं सकते। तुम्हारी आयु लंबी हो,